लड़के के साथ। सर जबरदस्ती मेरे लौंडे को ले जाके बाजार में दारू पिलाया, सब्जी के बहाने इसको गया सब्जी, मेरे रिश्तेदार आए थे और रिश्तेदार आने के साथ ही सब्जी रख के फिर गया दूध लेकर। सर इसका पैसा पहले निकाल लिया था कि दारू पिए के लिए कि आप तुझको भी मजा दिखाए, कि उस समय नहीं सुना था दूध लेके, फिर जब वापस आता रहा है तब इसको दारू पटक के खेत में सब पिलाया गया। अब जाकर उसके फिर उस समय मेरे घर वाले फ़ोन किया कि हाँ कहाँ को मैं में आ गया हूँ, कहाँ इसका दारू पिला के फलाने फलाने ने वो कर दिया था, हमको कौन कौन सा धरी। उसके बाद इसको गाड़ी में किसी तरह हम दो आदमी तीन आदमी इसको ला के भगा के जाके यहाँ लवकुश हॉस्पिटल में इसको प्राइवेट में दवा कराए। इसके पेशाब के नली से आधा लीटर महुए की दारू निकली हुई है, उसमें हम इसको बुलाएं कि भाई एक बार आके देख जानी कि कोई लोग आज तक अभी तक मेरे पास नहीं आए। क्या कुछ करना चाहते थे क्या? अब करना क्या, जब सर इसको मैंने देखा कि हाँ इसके फूल माला इसके छाती से मैंने निकाला पकड़ के काला भी देखा, तो मैं कहूँ क्या इसके यार बलि चढ़ाओगे क्या? माला वाला पहना हुए थे माला इसके, उसके रहा जो चौधरी जो दारू इसको पिलाया था। उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे की जान बचाने के था मैं उसको छोड़ के भगा दिया। मैं कहूँ अभी हालत कैसी लग रही थी? अभी हालत कैसी है लड़की? अभी हालत उसी तरह सर की, मतलब ये है कि अभी अभी उससे न उठ पाता है न किसी से बोल सकता है, उसका माइंड अभी उसी तरह घूमता रहे। नाम बता दीजिए। देवखरपुर नवीरा। नाम मोतीलाल। उसको क्या हुआ था और क्या ट्रीटमेंट किया गया? ये बच्चा रंजीत नाम का है, 10-11 साल का है। उसके बाप बता रहा है कि कुछ दिन पहले किसी ने जबरदस्ती जो है दारू पिलाया था और उस समय उसके बाद बेहोशी वगैरह हो गई थी, लेकिन अभी जो मेरे पास आया है पेशेंट जो है खतरे से बाहर है, उसका इलाज किया गया है, वो भी खतरे से बाहर है।